नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अपने गृह जिले छिंदवाड़ा पहुंचे सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह आम बजट को बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में मध्य प्रदेश के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है। प्रदेश को बजट में 2700 करोड़ रूपये कम दिए गए हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्रदेशों के साथ समान व्यवहार करने की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को कम बजट देकर उन्होंने दिखा दिया है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ अन्याय किया है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि विभिन्न योजनाओं में प्रदेश को कम पैसे दिए गए हैं। मोदी सरकार ने अपने दूसरे ही कार्यकाल के पहले बजट में प्रदेश को कम पैसे दिए हैं। सीएम कमलनाथ शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे छिंदवाड़ा पहुंचे, फिर शिकारपुर स्थित अपने निवास पर पहुंचे और जिले भर से आए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी सीएम कमलनाथ शामिल हुए। छिंदवाड़ा कांग्रेस सांसद नकुलनाथ अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में वन विभाग एवं लघु वनोपज समिति के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने छिंदवाड़ा को मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और 2 महाविद्यालय की सौगात दी। नकुलनाथ ने आम बजट पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार इस बजट में लोगों के पेट पर लात मार रही है। नकुलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने पहले ही बजट में अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, लेकिन प्रदेश में बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों के सवाल पर वो बसते नजर आए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना वचन निभाने का काम कर रही है। सीएम कमलनाथ ने जनता को जो वचन दिए हैं वह जरूर निभाए जाएंगे। मोदी सरकार के बजट में पेट्रोल डीजल पर 1% की एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। छिंदवाड़ा में जहां पेट्रोल की कीमत 4.53 रूपये बढ़ गई है, तो वहीं डीजल में 4.43 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। खरीफ फसलों की बोनी शुरू है, ऐसे में डीजल के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा किसानों पर असर पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर खेती का काम डीजल मशीनरी से होता है। नवेगांव थाना क्षेत्र के साठिया गांव में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि कलयुगी बेटा ही निकला, जो कि जमीनी विवाद के चलते पिता और अपने छोटे भाई की लाठी से मारकर और पत्थर से कुचलकर हत्या करती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।